निवासी आर के पुरम द्वारा थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि एक लड़का जिसके साथ में तीन लड़के और हैं, एक कार लेकर आए हैं, पिस्टल दिखाकर फिरौती की राशि मांग रहे हैं। उनका विवाद ये था कि पड़ोस में उनका एक मकान है जहाँ पर एक लड़की से विवाद हुआ था, जिस विवाद का निपटारा भी हो गया था, परंतु उनका उसके मन में अभी तक उसका विवाद वाली रंजिश पाल कर रखी थी। उसको मद्देनज़र रखते हुए उसने उसको धमकी देकर 1,00,000 रुपए की फिरौती की मांग की एवं नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया था। प्रकरण दर्ज करने के पश्चात अनुसंधान किया जा रहा था। इसी दरमियान पुनः सूचना मिली कि वो लड़का अन्य तीन साथियों को लेकर और उसी कलर की उसी नंबर की गाड़ी को, जिसका पूर्व में FIR में अंकन किया गया था, लेकर वापस आया और पुनः घर पर जाकर धमका रहा है। इस बात को गंभीरता से लेते हुए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस मामले को गंभीरता से लिया गया एवं उनके निर्देशन में एडिशनल SP साहब, CO साहब और मेरे नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम द्वारा उन लड़कों का पीछा करते हुए उनकी तलाश की गई तो पुलिस की गाड़ी को देखकर उनके द्वारा भागने का प्रयास किया। भागने के दौरान उनके द्वारा एक पेड़ को टक्कर मारी गई, जिससे उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है और दो बालकों को जो अवयस्क बालक थे उनको निरुद्ध कर लिया गया था। एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया।